लोग क्या कहेंगे इसे सोचकर खुद को रोक लेने को मैं सबसे बड़ा रोग मानता हूँ। संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इसके बारे में सोचने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे परिवार के हित में क्या है, तुम्हारे परिवार की भलाई किसमें है। लेकिन साईं, रहना तो हमें इसी समाज में है ना। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें समाज प्यारा है या अपनी बेटी? चंपा बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है, उसकी भी अपनी इच्छाएं होंगी, पर तुम्हें समाज की फिक्र है, बेटी की नहीं। समाज क्या सोचता है इसकी परवाह है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी बेटी चंपा क्या चाहती है इसकी परवाह नहीं है, और ना ही कभी तुमने जानने की कोशिश की। चंपा कहाँ है? चंपा, चंपा क्या तुम नाटक में भाग लेना चाहती हो? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे आई बाबा यहां हैं। मुझे ये बताओ कि तुम नाटक में अभिनय करना चाहती हो या नहीं। जब जीवन में दुख का न्यारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगा, श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम जी साई। गाने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। नाटक में कितने सारे गाने थे, मैंने सुना है कि हर नाटक में नए नए गाने होते हैं, जिसका मतलब ये कि मुझे बहुत सारे गाने सीखने को मिलेंगे। वो राग मल्हार जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे थे, मैं वो गाना चाहती हूँ। साई, मैं जीपरी जितनी होशियार नहीं हूं, मुझे शर्म आती है, पर एक समय ऐसा होता है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास आता है, और वो तब होता है जब मैं गाना गाती हूँ। याद है साई, आपने मुझे द्वारका माई में गाने के लिए कहा था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ था, तब मुझे लगा था कि मैं किसी योग्य हूं। साई, वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा क्षण था। अगर मैं उस नाटक में भाग लेती हूँ, उसका हिस्सा बनती हूँ, तो मुझे हर खेल में वैसा ही महसूस होगा। रानी दमयंती के गीतों को गाना, मतलब मैंने आज तक जो ख्वाब देखे थे, उन सपनों को पूरा होने से भी ज्यादा खूबसूरत होगा।
मतलब गणपत राव जी जैसे अजनबियों के सामने तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। डर? कैसा डर? भाव ने कहा कि मैं उनकी छोटी बहन जैसी हूँ, और जब बहन माना है तो मेरी रक्षा भी तो करेंगे। बाबा, मेरे लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सिर्फ मेरे हित के बारे में सोचेंगे। मैं जानती हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसमें आपकी मंजूरी ना हो, क्योंकि मेरे लिए वो सारे सपने बेकार है जिनको पूरा करने में आपकी खुशी और आपका आशीर्वाद ना हो। गीत संगीत और नाटक के प्रति तुम्हारा इतना रुझान था, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा, इसलिए कि कहीं हमें बुरा ना लगे। तुम्हें हमारी इतनी फिक्र है, और एक एक हम है कि तुम्हें घर में कैद कर दिया, तुम्हें बाहर निकलने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अच्छा बाबा नहीं हूं। ऐसा मत बोलिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। नहीं, मैं अच्छा बाबा नहीं था, लेकिन मैं अब अच्छा बाबा बनना चाहता हूं। मैं गणपत राव से खुद बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। ओ, ओ सुख दुख आने जाने हैं और साईं, बाबराए मनवा तेरा बुझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी समझाए। ओ साईओ 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 साईओ। अब आप सबसे बंबई में मुलाकात होगी अगले महीने, जब तक शायद रानी दमयंती की भूमिका के लिए कोई नया कलाकार मिल जाए हमें। वैसे अगर आप लोगों की नज़र में कोई हो तो उसे साथ बंबई जरूर ले आइएगा। चलिए, राम राम। प्रबंधक जी, क्या हम सच में यहां से जा रहे हैं?
पहली बार हमें इस तरह बीच में ही नाटक का मंचन छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो भी उस कुलकर्णी की वजह से। गणपत तुम परेशान मत हो, हमें हमारी रानी दमयंती शहर में मिल जाएगी, हम वापस आएंगे यहां और फिर देखना तुम्हारा नाटक कैसा चलेगा। आएंगे, जरूर आएंगे। अब आप लोग जाइए यहां से, अब जो हो गया उसे भूल जाइए, अब आप लोगों को और परेशानी नहीं होगी। हम सब शिरडी छोड़ के जा रहे हैं, अब तो खुश होंगे ना आप लोग। आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो यहां इसलिए आए हैं कि हम राजी हैं। चंपा आपके नाटक में काम करेगी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ आपने सही सुना। देखिए राव साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो भी किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे माफी मांग के तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, गिला शिकवा मेरे तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने चंपा को हमारी नाटक में काम करने की अनुमति दे दी है। राव साहब बेटी है इसलिए हमसे दूर रहेगी तो उसकी सुरक्षा के लिए जरा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आप लोग यहां हमारे साथ भी रह सकते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? ये लोग तो बगल वाली बस्ती में रहते हैं, इन लोगों के यहाँ पर आने से तीन और लोगों का खाना पीना रहना सबका खर्चा बढ़ जाएगा। तुम चुप रहो यार। देखिए आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ आप लोग गवाह होंगे कि कैसे गणपत राव अपने कलाकारों के साथ पेश आता है, कैसे गणपत राव सबकी छोटी सी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता है। और चंपा, चंपा तो हमारे नाटक की नायिका है, उसके लिए बेहतरीन कपड़े, पौष्टिक भोजन और उम्दा किस्म के श्रृंगार की वस्तुएं होंगी, और चंपा को यह एहसास होगा कि वो ना केवल रानी दमयंती की भूमिका निभाएगी बल्कि उसके साथ रानी दमयंती की तरह रहेगी भी। पहली बार किसी नाटक में एक स्त्री ही एक स्त्री की भूमिका निभाएगी। रविदास ये नाटक इतिहास रचेगा, इतिहास, और मैं इस इतिहास को हर प्रकार से सुरक्षित और सुशोभित रखूंगा। आप लोगों को कुछ कागजात पे हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होगा। हमारी नाटक मंडली का नियम है, चंपा को आपने अपनी इच्छा से अनुमति दी है हमारी नाटक मंडली में काम करने की, बस इसलिए। जी जरूर। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आखिर में आप दोनों ने हमारी बात मान ली। अब देखना चंपा का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। नहीं राव साहब मैंने कुछ नहीं किया, राव साहब वो तो साई ने हमें रास्ता दिखाया। आइए चलिए मेरे साथ, चलिए आइए। गोभी कुछ मीठा लेके आओ, आइए ना। आइए आइए
एक बार फिर साईं ने हमारी मदद की। साईं ध्यान में बैठे हैं, उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। बिना मिले जा रहे हो बल्लाल। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैसे हो? आपकी कृपा है साईं, आपने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। अब कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत है? क्योंकि मैं जानता हूं साईं, कल बरसात किसने करवाई थी, और वो गणपत नहीं। पहली बार नहीं गा रहा था वो राग मल्हार, आज तक एक बूंद नहीं गिरी थी साईं। उस दिन हमारे कपड़े भी आप ही के कारण तैयार हुए थे। आज चंपा के माता पिता भी आप ही के कारण माने हैं। साईं, आप हमेशा अपना समर्थन हमें देते रहे हैं, हमेशा हमारी मदद की है, वो भी बिना मांगे या बिना हमारी जानकारी मिलाए। चंपा, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये तुम्हें अभिनय सिखाएंगे। नमस्ते गुरुजी। पैर छुओ मेरे, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम पर मां सरस्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। चंपा, मैं तुम्हें सब कुछ से बचा सकता हूं, पर गुरु जी के डांट से नहीं बचा सकता। चलो अभ्यास शुरू करते हैं। प्रिय, मुझे अपने तकलीफ की फिक्र नहीं, फिक्र है तो उस कष्ट की जो तुम्हें मेरे कारण भोगना पड़ रहा है। ये आप किस अपराध का दंड दे रहे हैं स्वामी? क्या ये संभव है कि आपको जंगल में भटकने के लिए छोड़कर मैं अपने माता पिता के घर सुख से रहूं? प्रिय गणपतराव, रुको। चंपा, तुम रानी हो, रानी दासी नहीं, इसलिए रानी की तरह अपनी चाल डाल रखो, उसकी तरह अपना व्यवहार रखो, तन कर चलो गर्व के साथ, और फिर अपने संवाद बोलो। जी गुरुजी। रुकिए। जी लाइए, इसे मैं बना देता हूं। आपको आता है कारीगरी का काम? हाँ। अरे वाह जी, शुक्रिया। अब मैं आश्वस्त हूं कि हमारा नाटक निश्चित ही सफल होगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद जो है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम असावधान हो जाओ, लापरवाह हो जाओ। तुम्हें अब और भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तुम्हें गणपत राव के खर्चों पर नियंत्रण करना होगा,
उसके खर्चों पर लगाम लगानी होगी, और इसके लिए अगर तुम्हें गणपत की लगाम खींचनी पड़े तो भी संकोच मत करना। उसका प्रबंधक होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, आखिर वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। अगर तुम उसे नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? ये बात आप कैसे जानते हैं साईं कि गणपत और मैं बचपन के दोस्त हैं? ये बात तो इस गांव में कोई नहीं जानता। वैसे पैसों के बारे में जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। माना गणपत एक बेहद ही प्रतिभाशाली कलाकार है, लेकिन पैसों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं साईं? तुम मुझे ना जानो पर मैं तो सबको जानता हूं। आपकी बात मैं समझ गया हूं साईं, ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं। गणपत राव बहुत उत्साहित था, अब तक पता नहीं कितना फिजूल का खर्चा कर दिया होगा। राम साईं। राम जी भला करें। बच्चों अभी नहीं, अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, बाद में आओ। ठीक है। अब क्या वो हमारा अभ्यास देख सकते हैं? वो मेरे दोस्त है। जरूर, जैसा तुम चाहो, लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बैठो। हाँ हाँ ठीक है। अब आप लोग इस भाग का अपना अभ्यास कीजिए, मैं अंदर बैठता हूं। गोपी। जी राव साहब। ये बच्चे हमारे पहले दर्शक और मेहमान हैं। जाओ इनके लिए सूखे मेवे लेकर आओ, काजू किशमिश बादाम बर्फी सब मिलाकर लाओ। जी जरूर। बच्चों को मेवा देना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गणपत राव को यह भूलना नहीं चाहिए कि नाटक हम उधार के पैसों से कर रहे हैं। चंपा अब मेरा भाग है, तुम बैठो और गौर से देखो। बंदा जी, चंपा यहां क्या कर रही है? अंता जी उसके बाप को तो देखिए, उधर कुर्सी की मरम्मत कर रहा है, जरूर उसके साथ आई होगी। लेकिन उस गणपत राव को तो देखिए, बेचारे को दमयंती नहीं मिली तो बच्चों के सामने नाटक करके खुद को बहला रहा है। माई भिक्षा दे माई,
लीजिए। दादी, आपने आखिरी वक्त मेवे कभी खाए थे? 2 महीने पहले। और काजू बर्फी? उसके और 3 महीने पहले अंता जी। मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। अंता जी, हम हमेशा किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, हमें भी हक है अच्छे से अच्छा खाना खाने का। चलिए पंता जी, बाजार जाते हैं और पेट पूजा करते हैं, यहाँ तो कुछ नाटक वाटक होने से रहा। चलिए चलिए। अरे, इसमें तो बादाम भी है, तुम्हें बादाम बहुत पसंद है ना? मल्हारी, तुम ठीक तो हो ना? मल्हारी, 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 इसकी आंखें पीली क्यों हैं? कहीं से पीलिया तो नहीं? नहीं माल सपति जी, तबीयत खराब होने से पहले तुम क्या कर रहे थे? चंपा दीदी के नाटक का अभ्यास देख रहा था। इसकी आंखें पीली कब से हैं?
साईं, ये जब घर से निकला तब तो ठीक था। और जाते समय क्या खाया था इसने? वरण भात ही खाया था, वो भी बिल्कुल सादा। तुम्हारी जेब में क्या है? बादाम है साईं। क्या तुमने इन्हें खाया था? अधिक मात्रा में बादाम खाने से मलारी की तबीयत खराब हुई है। साईं, मैंने इससे कितनी बार कहा है कि ज्यादा सूखे मेवे नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। इससे मैंने एक बार ये क्या कह दिया कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, बस तब से पागलों की तरह ये बादाम खाता रहता है बस। मधारी, तुम्हारी आई बिल्कुल ठीक कहती है, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन कोई भी चीज अधिक खाने से नुकसान दे सकती है। एक वादा करोगे मुझसे? वादा करो कि आज के बाद तुम कभी बादाम नहीं खाओगे। नहीं साईं, मुझे तो बादाम पसंद है, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मल्हारी, साईं जो कह रहे हैं उसे मानो। तुम्हें पता है ना, साईं जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। वचन दो साईं को, दो। महालसा पति जी, बच्चों से जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम से पेश आना चाहिए। अगर आप मल्हारी को यह सिखाना चाहते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो आपको प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि भय से तो केवल भय ही समझ में आता है, और भय से लाया गया परिवर्तन कभी स्थायी नहीं हो सकता। मलारी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, अधिकतर लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और खासकर तब जबकि इन्हें अधिक मात्रा में खाया जाए, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। बादाम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए तुम इन्हें कभी मत खाना। मेरी बात मानोगे ना? ठीक है साईं, मैं आपसे बादाम कभी नहीं खाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा हो तुम। मल्हारी ने तो मेरी बात मान ली, लेकिन वो अभी बच्चा है, स्वाभाविक है बादाम देखकर उसका भी खाने का मन करेगा। इसलिए आप लोग भी अपने घर में सूखे मेवे रखना बंद कर दीजिए। जी साईं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए साईं। राम जी भला करें। चलो मल्हारी। साई, क्या अभी मल्हारी कभी बादाम नहीं खा पाएगा? उसे बादाम खाना बहुत पसंद है, ये मैंने खुद देखा है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त और किस्मत के पास होते हैं। उसकी आंखों का पीलापन ठीक हो जाए फिर देखते हैं। साई, इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना?
मल्हारी की जान को खतरा तो नहीं है ना? कहा ना, कुछ सवालों के जवाब केवल किस्मत और समय के पास होते हैं। ये तैयार उसे देखने के लिए जो बनेगी आपकी गांव की शान। जी हाँ, एक बार फिर से हम आपके सामने लाए हैं हमारा प्रसिद्ध नाटक नल और दमयंती, जिसमें पहली बार एक लड़की निभाएगी नायिका की भूमिका, और वो भी आपके गांव की। ये मौका मत गवाइए, नाटक देखने जरूर आइए। समाज बदल रहा है और इस बदलाव के साक्षी बन जाइए। आइए आइए आइए, चलो। ये चंपा है। सचमुच बहुत किस्मत वाली है ये। देखिए नल दमयंती का नाटक। आइए आइए आइए। अंता जी, ये लड़की की तस्वीर जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ अंता जी, ये तो चंपा की तस्वीर है। ओहो, अब समझा चंपा वहां पे किस लिए थी और क्या कर रही थी। चलिए सरकार को बताते हैं। अरे ओम, खाट का व्यापार करने के लिए इसने हमसे कर्जा लिया था ना मुनीम। जी सरकार। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अभी के अभी। लेकिन सरकार, इस महीने का ब्याज और किस्त मैंने अदा कर दिए सरकार। जब वो सब पता है मुझे, शेष राशि मांग रहा हूं मैं। लेकिन सरकार, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मुनीम, इसने अपना घर गिरवी रखा था ना हमारे पास। जी सरकार। उस पर अधिकार कर लो। सरकार, मैंने हमेशा वक्त पर किस्तें दी हैं, ब्याज चुकता किया सरकार। सरकार आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है रविदास, वो मेरे पैसे हैं, मैंने तुम्हें दिए थे और वो मैं कभी भी मांग सकता हूं। और सुनो, ये मेरा बनाया हुआ नियम है। सरकार, अगर आप मेरा घर ले लेंगे तो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाऊंगा? जवान बेटी? तेरी जवान बेटी अब नायिका बन गई है ना, भेजता है ना उन भांडों की टोली में गाना बजाने के लिए, वहां तो उसे पैसे मिलते होंगे। मदद मांगने आया था तू मुझसे, लेकिन तूने मेरे शत्रु के साथ हाथ मिलाया। मुनीम, इसके घर का सब सामान बाहर फेंकवा दो और घर पे कब्जा कर लो। सरकार, मुझसे गलती हो गई सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। सरकार, मैं बेघर हो जाऊंगा। सरकार, आप जो कहेंगे सरकार, मैं वही करूंगा सरकार। चंपा को गणपत राव की मंडली से बाहर निकालो। सरकार, और कुछ करने के लिए कहिए मुझसे, मैं ऐसा नहीं कर सकता सरकार। सरकार, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझ पर मुकदमा कर देंगे सरकार, क्योंकि मैंने उनके अनुबंध पत्र पर अंगूठा लगाया सरकार कि चंपा उनका नाटक करेगी। सरकार। हरिओम हरिओम।
जिससे डर रहे हो ना रविदास, उसी को अपना शस्त्र बना लो। सुनो, सरकार ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके कैसे भी करके करना होगा, और तुम्हें ही करना होगा, और नहीं किया तो शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। सुनो, आज रात तक का समय है तुम्हारे पास, गला के अपना निर्णय बता देना। हरि ओम। चलो जाओ यहां से। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, अपनी बेटी के अरमानों को मैं कैसे चूर चूर कर दूं। तुमने तो देखा है ना आजकल वो कितनी खुश रहती है। उसकी खुशी के लिए आप चाहेंगे कि हम बेघर हो जाएं? अगर कुलकर्णी सरकार के हिसाब से काम नहीं किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, और जल में रहकर मगर से बैर कौन लेता है। आई, आप लोग यहाँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अच्छा ये बताओ, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? उपहार में दी बहुत अच्छी है, लेकिन तुझसे कम। क्या आई, कुछ भी कहती हो, मुझे तो बड़ी सुंदर लगी। अच्छा आई, मैं साई से मिलने जाऊं? ये सब उनकी कृपा से संभव हुआ है। नाटक शुरू होने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। जाओ जाओ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी का दिल टूटे, उसके सपने अधूरे रह जाएं। लेकिन आप भी तो जानते हो सरकार के आगे किसकी चली है। इच्छा से या अनिच्छा से हमें उनकी इच्छा के अनुसार ही काम करना होगा। इसलिए आप कल उनके पास जाकर कह दीजिए कि उन्होंने जो कहा है हम उसके लिए तैयार हैं। देखना ना भूलिए एक बार फिर नल दमयंती का नाटक आपके गांव में। आइए 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 आइए। चंपा, मैंने कहा ना साई औरों के जैसे नहीं है, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, एक बार बात करके तो देख। नो नो नो, नमस्ते साई। साई, तुम्हें याद है जब मैं चंपा को पहली बार द्वारका मई लेकर आई थी, वो ढंग से बोल भी नहीं पाती थी, घबराती थी, बात बात पर हकलाती थी, और फिर तुमने उसे ठीक कर दिया। और अब देखो वही चंपा सैकड़ों लोगों के सामने अभिनय करेगी, गाना गाएगी। उसे सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत थी लक्ष्मी। और फिर उसने यू ही अपना मन बहलाने के लिए गाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, वसुधा काकी उसे हमेशा डांटती रहती थी गाने के लिए। मुझे खुशी है कि उसने गाने का अभ्यास कभी भी बंद नहीं किया। चंपा की आवाज बहुत मधुर है, ये उसे ईश्वर का आशीर्वाद है, वरदान है। इस वरदान, इस आशीर्वाद को छीनने वाले हम कौन होते हैं।